सदर लोकसभा सीट से बहुजन मुक्ति पार्टी के अवधेश निषाद ने दूसरी बार नामांकन किया। शुक्रवार को अवधेश निषाद अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे और नामांकन कक्ष में जिलाधिकारी के विजयन पांडेन को नामांकन पत्र सौंपा। नामांकन के बाद अवधेश निषाद ने कहा कि पिछली बार भी बहुजन मुक्ति पार्टी से मैंने चुनाव लड़ा था और इस बार भी इसी पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा मुख्य मुद्दा शिक्षा, पलायन, गरीबी और अमीरी के बीच बढ़ती हुई खाई को संतुलन बनाने के लिए है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए बहुजन मुक्ति पार्टी के उम्मीदवार अवधेश निषाद ने कहा, देखिए जहाँ तक पार्टी की बात है, मैं पिछला उपचुनाव भी यहाँ से बहुजन मुक्ति पार्टी से लड़ा है और इस बार भी बहुजन मुक्ति पार्टी का कैंडिडेट हूँ। और मुद्दे तो सत्तर सालों से मुद्दे तो लोग जो जितनी पार्टियाँ हैं सब अपने स्तर से मुद्दा फेंक ही रही है और सत्तर साल से जनता देख भी रही है। मुद्दा मेरे में शिक्षा ही है और रोजगारहीन जो है, जो दिन प्रतिदिन जो गरीबी और अमीरी की जो खाई बनती जा रही है, इसी को संतुलन बनाने का प्रयास किया जाएगा।